हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा जोशी फ्रॉम एस के जी एवीएम सुजानगढ़। आज का अपना टॉपिक है रिस्क। चूंकि हम पोइम वाला सेक्शन पहले कंप्लीट करेंगे तो आज हम फर्स्ट वाली पोइम पहले पढ़ लेते हैं, रिस्क। पोइम्स अब तक हमने दो कंप्लीट कर ली, एक तो द लोटस और एक माई गुड राइट हैंड। वो आपको उसकी एक्सप्लेनेशन समेत मैंने वो पोइम्स करवाई है। आज हमारी पोइम है रिस्क, जो कि जिसके ये पोइट है जेनेट रैंड। रिस्क क्या होती है? जोखिम, खतरा। रिस्क यानी कि कोई भी चीज़ आप करते हो लाइफ के अंदर, जितनी भी एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ के अंदर होती है, रोना, हंसना, चलना, डेली का रूटीन जो भी आप फॉलो करते हो, किसी से मिलते हो, कहीं जाते हो, कोई नई चीज़ का नया वर्क सीखते हो, वो क्या है? कहीं ना कहीं वहाँ पर रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो रिस्क क्या है कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे किसी चीज़ को करने का, तब तक आप लाइफ के अंदर कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। आपके अंदर वो इंटरनल करेज आएगा ही नहीं जब तक आप किसी चीज़ को लेने का, काम में हाथ में लेने का रिस्क नहीं उठाओगे तब तक। अब एक छोटा सा एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं कैसे क्रॉल करते रहते हैं। अब वो खड़े भी नहीं होंगे तो वो चढ़ना कैसे सीखेंगे, ऊंचाई पर चढ़ेंगे कैसे जब तक कि वो खड़ा ही होना नहीं सीखेंगे? तो वो क्या करते हैं, हम उनको देखते हैं वो कितना स्ट्रगल करते हैं, क्रॉल करते हैं, कैसे वो ना सहारा लेके खड़ा होना सीखते हैं। ये उनका इंटरनल करेज आता है, वो भी किसी को देख के तो सीखते हैं बच्चे कि हमको खड़ा कैसे होना है। अब धीरे धीरे वो खड़े होंगे, ये उनका इंटरनल करेज है उनके अंदर। अब जो खड़े होंगे तो धीरे धीरे उनमें ये करेज और आएगा कि मुझे ऊंचाई पर चढ़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स के ऊपर चढ़ते हैं, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं, तो क्या होता है, उनको सफलता हासिल होती है। तो धीरे धीरे वो जो भी चीज़ फॉलो करते हैं, खड़े होने से लेकर ऊंचाई तक चढ़ने का, उनमें उनको सफलता हासिल होती है। तो उनमें क्या होता है, वो इंटरनल करेज ही तो आया, खुद की तरफ से ही तो आया। ये तो नहीं है कि आप लोगों ने उनको जाकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और उनको घसीट घसीट के चढ़ाना सिखा रहे हो, ये तो कहीं से नहीं हुआ। ये तो बच्चे की इंटरनल खुद की इच्छा होती है कि मुझको कहाँ क्या चीज़ अप्लाई करनी है, कैसे मुझको खड़ा होना है, कैसे मुझको चढ़ना है। अब वो चढ़ेगा तो धीरे धीरे उसमें और करेज आएगा नई नई चीज़ों को सीखने का, खेलने का, कूदने का, आगे बढ़ने का। रिस्क क्या है? रिस्क अपनी जो पोइम है, इस पोइम के अंदर हमको ये बताया गया कि जितनी भी तुम्हारी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है, सफरिंग्स आती है, उन सफरिंग्स से बचने के लिए आप कौन कौन से मेथड्स अप्लाई करते हो, कौन कौन से प्लानिंग आप करते हो, तो वो चीज़ है। वो भी क्या है, रिस्क ही है। भले ही आप किसी चीज़ को हासिल करने, किसी प्रॉब्लम से बचने के लिए कोई प्लान आपने इम्प्लीमेंट किया है, भले वो एक बार फेल हो जाए, लेकिन अगली बार जब आप उसी चीज़ के लिए सेम प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे तो आप कुछ नया उसमें ऐड करोगे, तब आपको क्या होगी, सफलता हासिल होनी निश्चित है। 100% आपको सक्सेस मिलेगी आपकी चीज़ को हासिल करने में। रिस्क हमको ये पॉइंट यही सिखाती है कि लाइफ के अंदर हमको कुछ भी अचीव करने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। हम रिस्क नहीं उठाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, एक तरीके से निष्फल हो जाएंगे, हमारी लाइफ पूरी तरीके से बोरिंग हो जाएगी। आप देखते हो कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी बच्चे को आप ना हाथ से हाथ, मतलब कि आगे से आगे कोई भी चीज़ आप उसको देते हो, उसको रिस्क उठाने नहीं देते हो, तो वो क्या होता है, एक तरीके से आलसी सा व्यक्ति बन जाता है। उसको किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं समझ में आती। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी चीज़ की वैल्यू समझनी होगी तो उसको खुद स्ट्रगल करना पड़ेगा, खुद रिस्क उठानी पड़ेगी, खुद उसका इंटरनल करेज जागेगा, तभी तो उसको लाइफ की अच्छी वैल्यू समझ में आएगी। ये जो पोइम है उसके अंदर रिस्क के अंदर यही सब कुछ बताया गया है। आज जो हम इस पोइम के अंदर पहले तो अबाउट द पोइम पढ़ेंगे, चूंकि अबाउट द पोइट अपने क्या है, जेनेट रैंड, ठीक है। तो ये क्या है पोइम, ये लिखी गई है जेनेट रैंड द्वारा। अबाउट द पोइम के अंदर क्या है कि अबाउट द पोइम के अंदर पोइम की जो मेन जो थीम है, यानी कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम जो है वो क्या है, इसके अंदर ये बताया गया है। तो ये इतना बड़ा है, ये आपको मैंने जानबूझकर इतना बड़ा लिखा है। आपका मतलब कि 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, या फिर व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम, या हाईलाइट ऑफ द पोइम। इस एक ही प्रश्न को कई तरीके से वो पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। तो अबाउट द पोइम के अंदर मैंने जो ये सारा कुछ लिखा है, ये सारा का सारा आप उसके अंदर अगर उस आंसर के अंदर लिखोगे तो आपके 5 out of 5 नंबर पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पहले मैं इस जो अबाउट द पोइम है वो बता देती हूँ। हर एक वर्ड जो आएंगे आपके, उनके मीनिंग भी मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करती चलूंगी। सबसे पहले रिस्क पोइम पढ़ेंगे, उससे पहले अबाउट द पोइम। फर्स्ट लाइन अपनी है, रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोइम। मोटिवेशनल का मतलब होता है प्रेरणादायी, मोटिवेट करना यानी कि प्रेरित करना। मोटिवेशनल का मतलब हो गया प्रेरणादायी या प्रेरणास्प्रद।
पोएम कहनी कविता, तो रिस्क इज ए मोटिवेशनल पोएम। रिस्क यानी कि जोखिम वाली कविता, रिस्क जो पोएम है वो एक प्रेरणादायी कविता है। इट मोटिवेट्स यंग मैन टू टेक रिस्क इन लाइफ एज देयर इज रिस्क इन डूइंग एवरीथिंग। यंग मैन यानी कि युवा व्यक्ति, युवा व्यक्ति के कौन होंगे, जो हम जैसे व्यक्ति होंगे। युवा व्यक्ति टेक रिस्क यानी कि टेक यानी कि लेना, ठीक है। इट मोटिवेट्स यंग मैन टू टेक रिस्क इन लाइफ एज देयर इज रिस्क इन डूइंग एवरीथिंग। यह जो कविता है ये युवा व्यक्तियों को मोटिवेट करती है रिस्क को उठाने के लिए। ये जो पोइम है युवा व्यक्ति, जो युवा यूथ जो जनरेशन है उसको एक तरीके से मोटिवेट करती है कि आप रिस्क को उठाइए, क्योंकि लाइफ के अंदर जो भी आप करते हो, जो भी कार्य और एक्टिविटी आपकी होती है, वहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज में, किसी न किसी रूप में रिस्क का इन्वॉल्वमेंट तो रहता ही है। बाय अवॉइडिंग रिस्क, अवॉइडिंग का मतलब कि मतलब नजरअंदाज करना, बाय अवॉइडिंग रिस्क, अगर आप रिस्क को नजरअंदाज कर देते हो, यानी कि रिस्क को मतलब कि नजर अनदेखा कर देते हो, रिस्क उठाते ही नहीं हो, कहने का मतलब हो गया ये, ठीक है। तो वन कैन कीप ऑफ सफरिंग एंड सोरोज बट वन कैन नॉट लिव ए लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट, ठीक है। तो पहले मैं सोरोज तक का कर देती हूँ, अर्थ एक बार के लिए आपके लिए सही रहेगा। वन कैन कीप ऑफ सफरिंग एंड सोरोज, तो क्या है, अगर कोई व्यक्ति रिस्क को नजरअंदाज करेगा तो वो क्या करेगा, वो पीड़ाओं से और दुखों से तो बच जाएगा। सफरिंग्स का मतलब होगी पीड़ाएं, सोरोस का मतलब हो गया दुख। अगर कोई व्यक्ति रिस्क को नजरअंदाज करता है, अवॉइड करता है रिस्क लेने का, तो वो एक बार के लिए तो पीड़ा और दुखों से बच जाएगा, बट वन कैन नॉट लिव ए लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट, लेकिन वो कभी भी जीवन की पूर्णता को हासिल नहीं कर पाएगा। फुलफिलमेंट का मतलब हो गया पूर्णता। क्या है कि यदि कोई व्यक्ति रिस्क को अवॉइड करेगा तो वो एक बार सफरिंग्स और सोरोस से तो बच जाएगा, लेकिन वो लाइफ की पूर्णता जो है, जो फुलफिलमेंट है, उसको वो कभी भी हासिल नहीं कर पाएगा। सक्सेस कम टू दोज हु हैव द करेज टू टेक रिस्क, सफलता, सक्सेस मीन्स वॉट, सफलता, सफलता भी उन्हीं के पास में आती है जिनके की पास में रिस्क को उठाने का करेज है। करेज मीन्स वॉट, साहस। सफलता भी उन्हीं व्यक्तियों के पास में आती है जिन व्यक्तियों के पास में रिस्क को टेक करने का, रिस्क को उठाने का साहस है। ए पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क गेन्स नथिंग इन हिज लाइफ, गेन्स का मतलब अचीव करना, हासिल करना या फिर प्राप्त करना, एक ही बात है, मैं यहाँ पर हासिल करना लिख रही हूँ। नथिंग का मतलब हो गया कुछ भी नहीं। ए पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क गेन्स नथिंग इन हिज लाइफ, एक व्यक्ति जो कि रिस्क नहीं उठाता है वो अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। ही डज नॉट लर्न, फील, चेंज एंड ग्रो। लर्न का मतलब हो गया सीखना, फील यानी महसूस करना, चेंज परिवर्तन एंड ग्रो, डेवलपमेंट होना, विकास होना। ए पर्सन वो डज नॉट टेक रिस्क गेन्स नथिंग इन हिज लाइफ, एक व्यक्ति जो अपनी लाइफ में कभी भी रिस्क नहीं उठाएगा उसको लाइफ में कभी भी कुछ भी चीज हासिल नहीं होगी। ही डज नॉट लर्न, फील, चेंज एंड ग्रो, वो न तो कुछ सीख पाएगा, न ही कुछ महसूस कर पाएगा, और न ही उसकी लाइफ में कोई परिवर्तन आएगा, चेंजेस आएंगे, और उसका निरंतर जो सतत जो विकास होता है मानव के अंदर, उसका विकास भी, जो ग्रोइंग होगी वो भी उसमें रुक जाएगी। कैसे रुक जाएगी, जब तक कि वो रिस्क को हासिल ही नहीं करेगा, मतलब ये रिस्क को उठाने का बीड़ा ही नहीं उठाएगा, तब तक क्या होगा, तब क्या होगा इसका रिजल्ट, कि न तो वो कुछ सीख पाएगा, न कुछ फील कर पाएगा, न उसमें कि उसकी लाइफ में कोई चेंजेस आएंगे, और उसका जो डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा। ही बिकम्स टोटली फेलियर, ही बिकम्स वैल्यूलेस हिमसेल्फ एंड हिज लाइफ बिकम्स ए टोटल फेलियर। वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति महत्वहीन माना जाएगा। वैल्यूलेस मीन्स वॉट, महत्वहीन।
अगर वो रिस्क को नहीं हासिल करेगा मतलब उठाएगा तो क्या होगा, पूरी तरीके से वो स्वयं को महत्वहीन बना लेगा दुनिया के सामने भी और खुद की नज़रों में भी। एंड हिज लाइफ बिकम्स ए टोटल फेलियर, उसका जो पूरा जो जीवन है वो व्यर्थ चला जाएगा, निष्फल हो जाएगा। फेलियर मतलब यहाँ पर निष्फल से होगा, जिसका कि कोई परिणाम ही नहीं निकलेगा। उसका जो जीवन है वो खुद की गलती की वजह से क्या होगा, निष्फल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर करेज ही नहीं है रिस्क को उठाने का। जब तक करेज आएगा नहीं वो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि इसका एक बार शॉर्ट समरी में आपको ऐसे हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिस्क जो है अपनी एक तरीके से मोटिवेशनल पोइम है। ये जो यूथ जनरेशन है उसको मोटिवेट करती है रिस्क को उठाने के लिए। ठीक है, क्योंकि लाइफ के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसके अंदर क्या होती है, कहीं ना कहीं रिस्क का इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता है। अगर कोई व्यक्ति जो है बाय अवॉइडिंग रिस्क वन कैन कीप ऑफ सफरिंग एंड सोरोस, अब कोई व्यक्ति रिस्क को अवॉइड करेगा तो वो सोरोस से और सफरिंग से एक बार के लिए तो बच जाएगा, लेकिन उसकी लाइफ में कोई एडवेंचर्स नहीं रहेगा। उसकी लाइफ के अंदर मतलब क्या होगा, एक तरीके से बोरिंग लाइफ हो जाएगी और उसके अंदर जो करेज है वो कभी जागेगा ही नहीं, इंटरनल करेज उसका दब के रह जाएगा। ठीक है, ए पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क गेन्स नथिंग बिकम्स नथिंग एंड हिज इन हिज लाइफ। एक जो व्यक्ति है वो जो अपनी लाइफ के अंदर कभी भी रिस्क नहीं उठाएगा वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा, हासिल नहीं कर पाएगा और उसकी जो लाइफ है पूरी तरीके से निरर्थक हो जाएगी। ही डज नॉट लर्न चेंज एंड ग्रो, ही बिकम वैल्यूलेस हिमसेल्फ एंड हिज लाइफ बिकम ए टोटल फेलियर। वो क्या होगा, जीवन के अंदर जितनी भी जो एक्टिविटीज़ होएगी, जो सीखना महसूस करना परिवर्तन आना है वो उसकी लाइफ में कभी आएगा ही नहीं, जिससे क्या होगा उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा, मेंटल एबिलिटी वहीं तक सीमित होकर रह जाएगी, संकुचित विचारधारा उसकी हो जाएगी, आगे वो बढ़ ही नहीं पाएगा। और जो क्या है कि वो खुद को महत्वहीन घोषित करेगा, खुद की गलती की वजह से खुद को महत्वहीन घोषित करेगा दुनिया की नज़रों में, और जो उसका पूरा जीवन है वो एक तरीके से निरर्थक होकर रह जाएगा, निष्फल होकर रह जाएगा। उसकी लाइफ का कोई एम ही नहीं रहेगा जब तक कि वो रिस्क को अचीव नहीं करेगा, मतलब कि रिस्क उठाने का जोखिम नहीं उठाएगा। ये तो थी आपके अबाउट द पोइम। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार के लिए। नाउ स्टेंजा ऑफ द पोइम, फर्स्ट स्टेंजा है इसका रिस्क का। ठीक है, तो पहले अब हम स्टेंजा देख लेते हैं। पहले अपन ने अबाउट द पोइम पढ़ा, अब अबाउट ये जो है स्टेंजा इसको देख लेते हैं, हिंदी अर्थ कर लेते हैं एक बार के लिए इसका। अब जो ये स्टेंजा इसको रीड कर लेते हैं एक बार। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनोदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि दैनिक जीवन में जितने भी आप हंसने से लेकर रोने से लेकर या फिर किसी की हेल्प करने से लेकर कोई भी काम आप करते हो उनमें क्या है, कहीं ना कहीं रिस्क का इन्वॉल्वमेंट है। वो सारा कुछ इस स्टेंजा के अंदर बताया गया है। वो कैसे, वो हम इस स्टेंजा के थ्रू आउट सीखते हैं। यहाँ पर ये बताया गया कि टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति हंसता है तो वो क्या है, हंस रहा है तो खुद को क्या है, मूर्ख कहलाए जाने का उसको क्या है, रिस्क है। फूल का मतलब हो गया मूर्ख। ठीक है, लाफ यानी कि हंसना। कोई भी पर्टिकुलर बंदा अगर हंस रहा है तो वो खुद को मूर्ख कहलाए जाने का उसके रिस्क है, यानी कि कहीं उसको कोई मूर्ख घोषित ना कर दे। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बाय चांस अपने अकेले में हंसता है तब तो कोई बात नहीं, बाय चांस कोई अगर बहुत से लोगों के बीच में हंस रहा है अपनी किसी पुरानी बात को याद करके तो लोग बात तो उसको देखकर यही कहेंगे ना, ये पागल है कब से हंसा ही जा रहा है। तो क्या है कि यहाँ तक तो हंसना भी क्या हो गया, एक तरीके से रिस्की हो गया है। अपीयरिंग का मतलब कि दिखाई देना, ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति हंसता हुआ दिखाई दे गया कोई सामने वाला व्यक्ति उसको मूर्ख ना सोच ले तो इसमें भी क्या है, हंसने में भी रिस्क है। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल। वीप यानी कि रोना, सेंटिमेंटल का मतलब हो गया इमोशनल, भावुक। कोई व्यक्ति मान लीजिए अगर रो रहा है तो वो रो भी नहीं पाएगा बेचारा, क्यों, क्योंकि अगर वो रोएगा तो वो क्या है, खुद को भावुक कहलाए जाने का उसको खतरा है। कहीं ना कहीं लोग बाग उसको ये नहीं बोलते कि तो एनी टाइम रोता ही था, कुछ भी अगर इसको दे दो कुछ भी ना दो तो क्या, इसके तो सेम एक्सप्रेशन रहने वाले लाइफ को लेकर, ये तो भावुक ही है रहेगा, इमोशनल ही रहेगा। तो क्या है, रोना भी क्या है, कोई व्यक्ति चैन से रो भी नहीं पाएगा तो क्या है, रोना भी एक तरीके से क्या है, उसमें भी भावुक कहलाए जाने का, खुद को इमोशनल कहलाए जाने का वहां पर रिस्क है। टू रीच आउट फॉर अनोदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब हो गया शामिल,
संलिप्त शुद्ध हिंदी में अगर बोलें तो इसको रीच आउट को मतलब कि आगे बढ़कर किसी की सहायता करना। रीच आउट यानी कि हालांकि यहां पर हेल्प नहीं लिखा है लेकिन इसका लाइन का जो भावार्थ है वो यही निकलेगा, ठीक है। टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी की खुद की खुशी से हेल्प कर रहा है, किसी के दुख को देखकर वो स्वयं से जा रहा है हेल्प करने के लिए, तो वो क्या है, खुद को वो हेल्प भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं सामने वाला पर्सन उसको सेल्फिश नहीं कह दे। सेल्फिश इसलिए कि इसने इस पर्सन की हेल्प की है, जरूर इसका कोई ना कोई स्वार्थ उसके अंदर इन्वॉल्व रहा होगा। तो ये भी क्या हो गया कि किसी की सहायता करना भी क्या हो गया, एक तरीके से रिस्की काम हो गया। तो ऑल एंड ऑन इस जो स्टेंजा है इसका यही सारा है कि हंसना भी क्या है, रिस्की है, रोना भी रिस्की है, यहाँ तक कि किसी की हेल्प भी कर लो तो वो क्या है, रिस्की है। सारा काम जो है, सारी एक्टिविटीज में कहीं ना कहीं रिस्क है। ये अपनी रिस्क नहीं, ये सामने वाले व्यक्ति की जो थिंकिंग अपन को लेकर क्या हो जाती है वो भी क्या है, एक तरीके से रिस्क है कि सामने वाला पर्टिकुलर बंदा हमारे बारे में क्या सोचेगा। उस थिंकिंग को सोचते हुए हम क्या करते हैं, कई बार रिस्क नहीं उठाते हैं, ना तो हंसने का, ना रोने का, ना किसी की हेल्प करने का। ऑल एलोन जो स्टेंजा का सार है वो यही है कि हम क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति के एक्सप्रेशंस को देखते हुए, सामने वाले व्यक्ति की फीलिंग को देखते हुए हम क्या करते हैं, कुछ भी करने का रिस्क नहीं उठाते हैं, ना तो हंसने का, ना रोने का, ना किसी की हेल्प करने का। ये तो हुआ आपका फर्स्ट स्टेंजा, ठीक है। अब इसकी हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं एक बार के लिए। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन स्टेंजा की कैसे अटेम्प्ट करना है। ये हर बार रिपीट करती हूँ मैं, ये चूंकि अपनी नई पोएम स्टार्ट की है तो इसमें भी रिपीट कर दिया है कि जो स्टेंजा आपको इजी लगे, सॉरी अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाम के अंदर, तो आप क्या करोगे कि जो भी स्टेंजा लिया है उसके टू वर्ड्स, फिर डैश डैश उसके उसी स्टेंजा के लास्ट टू वर्ड्स लिख दो, फिर आएगा रेफरेंस। रेफरेंस अपना सेम ही रहता है हर एक पोएम के अंदर, उसके अंदर अपन को पोएम का नाम और पोएट का नाम दोनों याद होना चाहिए। एक लाइन है वो सेम वे में चलेगी कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट ट्रेंट। यही चीज अपन को रिपीट करनी है हर बार। अब है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो ये कॉन्टेक्स्ट होता है उसके अंदर जो मेन जो स्टेंजा होता है उस स्टेंजा की अपन क्या करेंगे, थीम बता देंगे एक ही लाइन के अंदर। चाहो तो कॉन्टेक्स्ट को तीन से चार लाइनों के अंदर भी बता सकते हो, नंबर तो कटेंगे नहीं, नंबर तो अच्छे ही मिलने वाले हैं। ये जो है स्टेंजा, ये क्या है, अपन को ये अच्छे से पता है कि ये अपनी ओपनिंग लाइन्स है इस पोएम की। कई बार होता है कि हमारा लक अच्छा रहता है तो हमारी ओपनिंग लाइन्स और लास्ट की लाइन्स आ जाती है पोएम के अंदर, तो स्टूडेंट्स पर्टिकुलर अगर अच्छे से रीड किया तो उसको पता है कौन सी लाइन कहाँ थी उस पोएम के अंदर। तो ये अगर लिख देता है ओपनिंग लाइन या लास्ट लाइन तो अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो ये हमको पता है ना कि ये रिस्क जो पोएम है इसका स्टेंजा फर्स्ट अपन कर रहे हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोएम। ये जो है इस कविता की शुरुआती पंक्तियाँ हैं। The poem says that a risk involved in everything we do. Poem जो है वो स्वयं में ही ये कह रही है, कविता स्वयं में ही ये कह रही है कि जो भी कार्य हम करते हैं लाइफ के अंदर उनमें कहीं ना कहीं रिस्क का इन्वॉल्वमेंट है, रिस्क कहीं ना कहीं शामिल है, ठीक है। अब है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर अपन ने तीन लाइनें पढ़ी हैं इस पोइम की। अभी कई बार क्या होता है कि रिस्क वाली जो पोइम, आपने कई कई जगह देखा होगा कि रिस्क वाली जो पोइम अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर कई बार तो तीन लाइनों की एक्सप्लेनेशन है, कई बार चार लाइनों की, तो कई बार छह लाइनों की एक साथ में एक्सप्लेनेशन दे रखी होती है। हमने अभी तक क्या किया, तीन लाइनें इसकी पढ़ी है तो हम तीन लाइनों की पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो यहाँ पर है कि जो एक्सप्लेनेशन, वो जो लाइनें आपने रिपीट की है, पढ़ी है हिंदी के अंदर, आप उसके मन के विचार कैसे लिखोगे वो सारा कुछ यहाँ पर आएगा। तो देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। वैसे तो टफ नहीं है, फिर भी साथ में आज मैं एक्सप्लेन करूंगी, हार्ड वर्ड भी इसमें नहीं है क्योंकि सारे एक्सप्लेन ऑलरेडी किए हुए हैं, तो इजी रहेगा, जल्दी समझने में आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। तो शुरुआत करते हैं एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट लाफिंग एंड वीपिंग आर द वेरी सिंपल एक्टिविटीज ऑफ ए ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर मानव स्वभाव। ये जो लाइनें हैं, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में कवि ये कहता है कि हंसना और रोना मानव स्वभाव के बड़े ही सामान्य सी गुण हैं या फिर सामान्य सी क्रियाकलाप हैं, एक्टिविटीज हैं। ए लाफिंग मैन मे बी कंसिडर्ड ए फूल। एक हंसने वाला व्यक्ति भी स्वयं को फूल कहलाया जाएगा, मतलब कि हंसने वाला व्यक्ति जो होगा वो क्या होगा कि अगर वो हंस रहा है तो सामने वाली पर्टिकुलर बंदे उसको कहीं मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ ले, तो इस बात का उसको रिस्क बना रहता है। हंसने वाला व्यक्ति स्वयं को मूर्ख कहलाया जाएगा। दस टू लाफ इज टू रिस्की। दस यानी कि इस प्रकार हंसना भी क्या हो गया,
रिस्की हो गया, जोखिम भरा कार्य हो गया। ए पर्सन हु वीप्स मे बी कंसिडर्ड एन इमोशनल मैन बाई अदर्स। एक व्यक्ति जो कि रोता है तो वो भी क्या है कि दूसरे जो व्यक्ति है बाई अदर्स, यानी कि दूसरे जो भी व्यक्ति है उसको एक भावुक व्यक्ति समझ लेंगे या फिर मान लेंगे। लाइकवाइज, लाइकवाइज का मतलब होता है इस प्रकार, ठीक है। इफ का मतलब होता है यदि। कंडीशनल वाक्य जब हम करते हैं तो उसके अंदर इफ का प्रयोग करते हैं। ये अपन ने ग्रामर के अंदर जो लास्ट क्लासेस अपन ने ली थी अप्रैल में, उसमें मैंने बताया है आपको। लाइकवाइज इफ वन गोज आउट टू हेल्प समवन। इसी प्रकार कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए जाता है, हेल्प समवन यानी कि किसी एक व्यक्ति की मदद करने के लिए जाता है, ही टेक्स द रिस्क टू ऑफ हैविंग हिज ओन इंटरेस्ट इन डूइंग सो। तो वो भी क्या है कि वो भी दूसरे व्यक्तियों द्वारा भी स्वार्थी कहलाए जाने का रिस्क उठाता है। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हेल्प कर रहा है तो सामान्य से जो व्यक्ति होते हैं उनकी यही थिंकिंग होती है कि बिना कोई स्वार्थ के कोई दूसरे व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता है। हम किसी की हेल्प कर भी रहे होते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं वहाँ पर स्वार्थ इन्वॉल्व रहता है। तो ये भी क्या है कि अगर कोई व्यक्ति खुद की खुशी से भी अगर किसी की हेल्प करेगा भी ना तो दूसरे व्यक्ति क्या कहेंगे, उसको एक तरीके से स्वार्थी व्यक्ति मान लेंगे। तो एक तरीके से क्या हो गया, दूसरों की हेल्प करना भी क्या हो गया, एक तरीके से रिस्की एक्टिविटी में शामिल हो गया। तो ये क्या हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, तीन लाइनों की एक्सप्लेनेशन। हंसना रोना जो कि क्या है आपकी मानव स्वभाव की सिंपल एक्टिविटीज़ है, रिस्की कहलाए जाने का वहाँ पर डर है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हेल्प करेगा तो वो भी रिस्की कहलाया जाएगा क्योंकि दूसरे वाले व्यक्ति उसको स्वार्थी व्यक्ति मानेंगे। ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेंजा, इसकी एक्सप्लेनेशन आज यहाँ पर कंप्लीट होगी, ठीक है। आप ध्यान से पढ़िएगा, रीड करिएगा। थैंक यू।